अभी लास्ट वीक क्रेड ने स्कैन एंड पे का फीचर लॉन्च किया है। इसमें कुल चार बातें थी। सबसे पहली चीज, आप इसमें स्कैन करके पे कर सकते हैं बिल्कुल गूगल पे फोन पे जैसे ही। दूसरी बात, इसमें रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट के फीचर थे जैसे गूगल पे और फोन पे हमको दिया करता है। थर्ड फीचर अगर हम देखें तो इसमें मर्चेंट से आप अपना पेमेंट डिटेल हाइड कर सकते हैं और इसके साथ ही आप हर फेल ट्रांजेक्शन पे आपको गारंटीड रिफंड मिल जाएगा। और फोर्थ फीचर में इन्होंने आपको पर्सनलाइज स्कैनर दिया था। पिछले 6 साल से UPI भी एग्जैक्ट सेम फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है और ये फीचर्स इतने ज्यादा सिंपल है कि इससे सिंपल प्रोडक्ट बनाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, इवन आप $6 बिलियन की क्रेडिट क्यों ना हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5 सालों के बाद क्रेड को ये रियलाइज हुआ कि हमें स्कैन एंड पे के मार्केट में आना चाहिए जब काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और बहुत सारे पेमेंट एप्स इंडिया में आ चुके हैं। दोस्तों, ये बिगेस्ट बिजनेस बैटल है UPI और क्रेड के बीच में। इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो इंडिया में UPI को एक डिजिटल पेमेंट गुड के तरह बनाया गया जिसके थ्रू आप इंटीग्रेट करके आप अपने पेमेंट ऐप से सेंड और रिसीव कर सकते हैं पेमेंट बहुत ही इजीली। UPI एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के तरह रहा भारत के लिए जिसने पूरे फिनटेक मार्केट को बदल दिया और आज इसी की वजह से सब कोई स्कैन करके पेमेंट करना शुरू कर चुका है। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में ये बिल्कुल फ्री है। वहीं अगर हम क्रेड की बात करें तो क्रेड बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के तरह अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट किया जहां क्रेड के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड्स के अपने बिल पे कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। इन रिटर्न क्रेड आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स और डिस्काउंट देता है कुछ प्रीमियम ब्रांड्स के ऊपर। इसके साथ ही अपनी आउटस्टैंडिंग मार्केटिंग और IPL में अपने एडवर्टीजमेंट के साथ क्रेड इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक बन चुका है आज। वहीं अगर हम कुछ सालों पहले तक देखें तो अगर आपको किसी को पेमेंट करना है या फिर अपना क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है तो आपको बैंक की वेबसाइट या फिर ऐप ओपन करना होता था और उसके थ्रू आप अपना पेमेंट ट्रांसफर किया करते थे। पहले ये एक ही सॉल्यूशन हुआ करता था लोगों के पास, लेकिन आज यहाँ पे लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे कि UPI के थ्रू आप अपना डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं और इसके साथ ही क्रेड के थ्रू आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको बैंक के वेबसाइट ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मतलब यहाँ पे बैंक का पूरा यूज ही खत्म हो जाता है ऑनलाइन का। बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड की डीपर अपॉर्चुनिटी को समझा ही नहीं और वहीं क्रेड ने इस मार्केट को काफी ज्यादा पेनिट्रेट करना शुरू किया और अपने सारे यूजर्स के बाइंग बिहेवियर को समझना चालू किया। यहाँ पे क्रेड अपने यूजर्स का ईमेल आईडी लेती है जिसपे वो उनके रिमेनिंग पेमेंट्स, उनके ड्यू पेमेंट्स, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया करती है और इन्हीं जगहों पे क्रेड अपने कई सारे प्रोडक्ट्स भी लोगों तक पहुंचाया करती है जिसको वो बाद में खरीद सकते हैं। यहाँ पे क्रेड ने कई सारे रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट देना शुरू किया जिस वजह से वो वर्ड ऑफ माउथ काफी तेजी से फैल गए और अपने मार्केटिंग की वजह से क्रेड के पास आज 9 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं, मतलब 90 लाख यूजर्स क्रेड यूज किया कर रहे हैं। बेसिकली क्रेड वो कर रही है जो कि कोई और कंपनी सोच भी नहीं सकती है। उनके पास 1% प्रीमियम ऑडियंस है जिनके पास सबसे ज्यादा बाइंग पावर होती है। क्रेड ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया जो कि कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। लोगों को क्रेडिट कार्ड मैनेज करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। बेसिकली इसके पीछे उनका मोटो था कि वो ऐसे यूजर्स के साथ जुड़ जाए जो कि काफी हाई पेइंग यूजर हुआ करते हैं जिसको बाद में काफी बड़े लेवल पे कैश किया जा सकता है। इसमें क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट तो प्रीमियम यूजर से जुड़ने का एक तरीका है। क्रेड को एग्जैक्टली पता है कि रियल मनी इंडिया में कहां पे है जिसको पाने के लिए इंडिया की सारी कंपनी बेताब रहा करती है। वो मार्केट आज क्रेड के पास है। लास्ट 2 क्वार्टर से क्रेड का लेंडिंग बिजनेस करीब 2,000 करोड़ से ज्यादा का रहा है और आज के डेट में ये कोटक महिंद्रा जैसे बैंक को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आज इनकी ग्रोथ इतनी फास्ट हो चुकी है कि बैंक को भी अब इनसे डायरेक्टली डर लगने लगा है क्योंकि क्रेड का एसेट बुक करीब 5,000 करोड़ तक पहुंच चुका था मार्च 2022 तक और मई 2022 आते आते ये 6,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। बैंक के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये क्रेडिट कार्ड का बिजनेस पूरी तरीके से बैंक का हुआ करता था जिसको अब पूरा उठा के क्रेड लेके जा रहा है। अगर हम देखें, एक पर्सनल लोन कोई लेता है और इसके साथ ही कोई क्रेडिट कार्ड का लोन लेता है तो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के लोन के इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 गुना हुआ करता है। तो अगर किसी भी बैंक को ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में जाना होगा जिसकी अपॉर्चुनिटी पहले बैंक ने रियलाइज नहीं किया और आज के डेट में वो पूरा मार्केट अब क्रेड के पास हो चुका है। अगस्त 2022 तक इंडिया में करीब 7.7 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स थे और एक एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में करीब 3.5 से 4 करोड़ के बीच में क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं जिसमें से करीब 25% मार्केट अकेले क्रेड के पास है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब RBI क्रेडिट कार्ड के खिलाफ कई सारे स्टेप्स लेती है। RBI को लगता है कि क्रेडिट कार्ड फंडामेंटली अपने गलत तरीके से लोगों से पैसे लिया करते हैं जिस वजह से RBI समय समय पे कई सारे अपने प्रोविजंस लेके आ रही है और ये क्रेडिट कार्ड के स्पेंडिंग को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रही है।
यहाँ हम देखें तो RBI ने सारे मर्चेंट बैंक्स को किसी भी कस्टमर का डेटा स्टोर करने से मना कर दिया है, जिस वजह से कोई भी मर्चेंट किसी भी यूजर से रिकरिंग पेमेंट नहीं ले सकता है। इसके साथ ही उन्होंने क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स पे भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही RBI ने प्रीपेड क्रेडिट कार्ड्स पे एक्सटेंडिंग लिमिट्स को भी कम कर दिया, जिस वजह से स्लाइस, यूनी और लेजी पे जैसे कंपनीज को कई सारा घाटा भी हुआ। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो RBI चाहता है कि लोग इंडिया में मिनिमम से मिनिमम क्रेडिट कार्ड यूज करें। और यहाँ पे गेम और ज्यादा चेंज तब हो जाता है जब NPCI ने इसी महीने अपना एक नया सर्कुलर लॉन्च किया, जिसके बारे में उन्होंने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने समय भी बताया था कि सारे क्रेडिट कार्ड को अब कस्टमर के फोन नंबर से डायरेक्टली लिंक किया जाएगा। इसका मतलब है कोई भी कस्टमर अपना फोन नंबर अगर एंटर करता है तो उसके सारे क्रेडिट कार्ड उसको डायरेक्टली शो करने लगेंगे, जैसा कि आपके बैंक अकाउंट के साथ भी होता है। आप अपना फोन नंबर डालते हैं और आपके सारे बैंक अकाउंट शो करने लगते हैं उसमें। और इसके साथ ही NPCI ने अपने सर्कुलर में यह भी कहा है कि कस्टमर को उसका बेनिफिट तुरंत मिलना चाहिए, जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स और डिस्काउंट होते हैं वो कस्टमर को इमीडिएटली पहुंचना चाहिए। लेकिन बैंक्स के लिए ये सर्कुलर एक रीडिंग मटेरियल से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बैंक्स इतनी सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। तो ये सर्कुलर्स किसके लिए है? दोस्तों, ये सर्कुलर क्रेड के लिए है, क्योंकि क्रेड ही इकलौती ऐसी कंपनी है जो इतनी सारी सर्विसेज लोगों को पहुंचा रही है। और कस्टमर के जिन डिटेल्स को पाने के लिए क्रेड को 5 साल लग गए, वो UPI सिर्फ नंबर लिंक करने से बहुत ही इजीली पा सकती है। अभी अगर हम प्रेजेंट UPI का स्ट्रक्चर देखें तो आपका बैंक अकाउंट डायरेक्टली आपके UPI से लिंक होता है, और इसके साथ ही आप गूगल पे, फोन पे करते हैं तो आप डायरेक्टली स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब UPI पूरी तरीके से ऐसा दिखेगा कि आप जब भी अपना नंबर लिंक करेंगे UPI के थ्रू, तो आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं और बैंक अकाउंट हैं वो डायरेक्टली UPI के पास सारे डिटेल्स चले जाएंगे, और इसके साथ ही आप अपना डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के स्टार्ट में हमने जैसा कि बताया कि क्रेड ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है कि आप स्कैन एंड पे कर सकते हैं, तो अभी तक UPI का यही फीचर था। तो अब आप इन दोनों पेमेंट ऐप्स के डायरेक्टली स्ट्रक्चर को देखें तो अब दोनों ऐप एकदम सिमिलर हो जाएंगी। UPI ने अपना क्रेडिट कार्ड का भी सिस्टम जोड़ लिया है, और यहाँ पे क्रेड ने अपना पूरी तरीके से स्कैन एंड पे को भी ऐड कर लिया है। तो अब UPI और क्रेड बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में हम एग्जैक्टली देखेंगे कि क्रेड और UPI एक बड़े कंपटीटर होने वाले हैं आपस में, और ये फ्यूचर ही डिसाइड करेगा कि इस बैटल में कौन विन करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्रेडिट कार्ड के पोटेंशियल को बहुत ही इजीली ऑब्जर्व कर लिया है, और वो भी अब इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं जिस मार्केट का लीडर है क्रेड। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है और कौन इस मार्केट को अच्छे तरीके से जीत पाता है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर किया करिए। चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।